हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशा लता लिविंग निसर से। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों को मेरा बैकयार्ड गार्डन का ओवर व्यू थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे और कुछ कुछ हार्वेस्ट होगा वो भी आज हम करेंगे, क्योंकि बारिश के बाद मेरा बैकयार्ड गार्डन बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं हार्वेस्टिंग और ओवर व्यू। चलिए तो फ्रेंड्स, देखिए इधर से पहले देख लीजिए, ये स्टार फ्रूट का पौधा है। अभी इसमें थोड़ा कम है, तो इसमें अभी सब फ्लावर आ रहे हैं। तो ये स्टार फ्रूट बहुत दिन हो गया, तो इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। और एक तो ऊपर में है ये भी हम हार्वेस्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो जैक फ्रूट है ना, ये सब्जी बनाने के लिए अभी मेरा हस्बैंड तोड़ेगा। ये बहुत सारा एक्सपीडिशन किया, बहुत पहाड़ में चढ़ा, तो हम बोला जो आज मेरा जैक फ्रूट तोड़ दीजिए। तो देखते हैं, देखिए देख रहे हैं ना टेक्निक। तो अभी तो पहाड़ में नहीं जा पाते, तो मेरा जो गार्डन में जितना सारा पेड़ पौधा है ना, वहीं पर हम चढ़ा देते हैं। चलिए, आपका ट्रेनिंग भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी रहेगा। तो देखिए कहाँ पर चढ़ गया, देखिए अच्छा लग रहा है ना। तो हमको चढ़ने नहीं देता। फिर लेता हाँ। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा हुआ, ये सब्जी बनेगा, कटहल का सब्जी, और ये बहुत टेस्टी होता है। तो पहले इसका जो आटा है बाहर रख देंगे, सब गिर जाएगा, उसके बाद हम लेंगे। और फ्रेंड्स चलिए गार्डन भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। और ये देखिए, ये स्टिंग वाइन है, तो ये बहुत अच्छा है। तो और इधर से देखिए, पाइनएप्पल में कुछ कुछ फ्लावर आ रहे हैं, और लेमन में भी दो लेमन हुआ, भीतर भीतर सा लेमन पकड़ा है, तो ज़्यादा नहीं हुआ, तो फिर भी जो हुआ। अभी नीचे में तो बहुत सारा पौधा हो गया ना, तो जो हो रहा है सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता है, वही अच्छा है। और फ्रेंड्स जानते हैं, मेरा
जो मैंगो है ना बहुत हुआ था, तो देखिए अभी सब काम हो गया। ये लैंगड़ा मैंगो है ना बहुत टेस्टी होता है, फिर भी ये बहुत गिर जाता है। देखिए अभी भी देखिए कितना गिर रहा है, देखिए कितना बड़ा बड़ा मैंगो गिर रहा है, देखिए बहुत गिर रहा है। और फ्रेंड्स इधर जो मेरा अनियन देखिए सैलड्स है, छोटा जो अनियन होता है वही है, और अभी भी थोड़ा थोड़ा टोमेटोज है, ये सब हार्वेस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए इधर बहुत अच्छा शाक है, ये भी थोड़ा हार्वेस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जानते हैं यहीं पर जो चेरी टोमेटोज है ना एक ही साथ पक जाएगा, तो हम सोचा तोड़ेंगे, फिर भी एक दो वो जब पक जाता है बादशाह के खा जाता है, इसलिए हमको तोड़ना पड़ता है और दिक्कत भी होता है, पूरा पकने नहीं देता है, तो कोई बात नहीं, जो मिलेगा वही अच्छा है। और फ्रेंड्स देखिए ये येलो टोमेटोज है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बड़ा बड़ा होता है और बहुत दिन ठीक रहता है, ऐसे भी रख देने से ये 2-3 महीना ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, खराब नहीं होगा। बारिश के बाद थोड़ा थोड़ा पौधा सब खराब भी हुआ और कुछ कुछ पौधा बहुत अच्छा हो गया, तो चलिए फ्रेंड्स उधर ब्रिंजल है, ब्रिंजल थोड़ा हार्वेस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये अगला साल का पौधा है, फिर भी अभी तक ये इसमें ब्रिंजल हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी ब्रिंजल का पौधा ऐसे रख दीजिएगा, और ब्रिंजल का पौधा 2-3 साल ऐसे ही रहेगा और ब्रिंजल भी बहुत अच्छा होगा थोड़ा केयर लेने से। तो आइए फ्रेंड्स इधर टोमेटो इधर भी है,
तो देखिए ना फ्रेंड्स कितना टोमेटो सब बादशाह के खा गया। लेगा सब आज सुबह में भी आके पूरा ये सब खा गया, खराब भी हो गया। तो फ्रेंड्स इधर जो कच्चू शाग है ना ये आज थोड़ा हार्वेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत अच्छा कच्चू शाग हमको मिला और ये बहुत टेस्टी है और अभी थोड़ा बारिश होगा तो ये खूब होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहीं पर हम ना एक पौधा ऐसे ही लगा के रख दिए और देखिए हमको बहुत अच्छा टोमेटो मिल रहा है बीच बीच में।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ना, ये हिंचे शाक और ये थोड़ा खट्टा लगता है, तो ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये देखिए, ये भी थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेंगे। जिसका आंखों का प्रॉब्लम्स है, ये शाक खाएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसे भी शाक तो बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए, तो शाक तो खाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं और बहुत अच्छा भी हुआ इन पर। तो फ्रेंड्स जानते हैं, मेरा गार्डन में ना सब कुछ एडिबल है, तो यहीं पर भी ये जो शाक हुआ, इसको थोड़ा हम उठाएंगे, क्योंकि मेरा वही शाक जरूरत है, वो ज्यादा होगा तो अच्छा है। ऐसे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सब सूख गया पौधा, तो सब काट देंगे। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना, पूरा बाट साके कैसे खा गया। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा पूरा खा गया। हमको मिल रहा है दो वो। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा बेली का पौधा में कितना सुंदर फ्लावर आया, बेली का पौधा में। और इधर सब देखिए फ्रेंड्स, मेरा टमेटो सब ना, ये सब देखिए, ये सब सर जरा मिट्टी लग रहा है ना, और ये बारसा की भी सब खा जा रहा है। और इधर सब देखिए फ्रेंड्स, मेरा पाइन एप्पल। तो अब लोगों को हम हर बार हम दिखाते हैं ना, तो देखिए इधर तीन ठो है, और ये सब आएगा और सब। और चलिए फ्रेंड्स, उधर भी दिखाते हैं, उधर भी देखिए फ्रेंड्स, उधर भी एक ठो है। और मेरा गार्डन में बहुत सारा पौधा है, तो लीची तो बहुत होगा इस साल, तो जब हम लीची तोड़ेंगे उस टाइम आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा इधर से कारी लीव्स हार्वेस्ट कर लेंगे। कारी लीव हमको खूब
तो फ्रेंड्स देखिए, आज फिर मेरा बैकयार्ड गार्डन से कितना सारा वेजिटेबल्स हार्वेस्ट हुआ देखिए फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है जब थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट होता है। तो देखिए फिर आज बहुत सारा टोमेटो हार्वेस्ट हुआ। तो और फ्रेंड्स इधर देखिए ब्रिंजल भी थोड़ा सा हार्वेस्ट हुआ और दो स्टार फ्रूट्स हार्वेस्ट हुआ। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैक फ्रूट, ये सब्जी बनाएंगे, ये भी देखिए बहुत सुंदर है, ये भी हार्वेस्ट हुआ। और ये शाक देखिए फ्रेंड्स, ये शाक तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारा विटामिन है, ये भी थोड़ा सा हार्वेस्ट किए। ये कारी लीप थोड़ा सा लिए। और ये है तारा रूट लीप्स और ये भी थोड़ा सा शाक है। तो फ्रेंड्स यही था आज मेरा बैकयार्ड गार्डन का हार्वेस्ट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू।